डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हम लोग सॉरी मैथ नहीं फिजिक्स, क्योंकि आज के क्लास में तो हम लोग फिजिक्स पढ़ लिए, मैथ पढ़ लिए, तो ट्वेल्थ क्लास के लिए हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, ट्वेल्थ में हम लोग फिजिक्स में एक नए चैप्टर का स्टार्ट किए हैं, प्रकाश की। और ये हम लोग ये भी सीखे हुए हैं कि इसके दो टाइप्स होते हैं, किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की। तो अभी हम लोग किरण प्रकाश की वाले चैप्टर में पढ़ रहे हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हम लोग टॉपिक्स देंगे प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रतिबिंब के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए यदि किसी बिंदु से आता हुआ किरण परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी दूसरी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे कि जब कोई वस्तु से आता हुआ किरण पुंज किसी दूसरे किरण पुंज से अगर टकराता है, यहाँ पे मिलता है या मिलता हुई प्रतीत होता है। अब मिलता हुई प्रतीत कब होता है, जब दर्पण के पीछे बनता है। तो हम लोग अभी सीखेंगे, अभी सिर्फ डेफिनेशन सीख लीजिए कि अगर एक किरण पुंज दूसरे किरण पुंज के पास मिलता है या फिर मिलता हुआ प्रतीत होता है। मिलता हुआ प्रतीत का मतलब ये हुआ कि दर्पण के पीछे हम लोग ऐसे बढ़ाते हैं तब जाकर एक दूसरे को कट करता है, काटता है, तो वैसे कंडीशन को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब के बारे में एक और चीज जानना चाहिए कि प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार के बराबर भी हो सकता है, प्रतिबिंब बड़ा भी हो सकता है, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो हालांकि सब चीज़ के बारे में भी देखेंगे, अभी तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में सीख रहे हैं कि होता क्या है। अभी रियल तो हम लोगों को बाकी है ना, जैसे हम लोग पूरा डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को पता चलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बड़ा हो रहा है, कहाँ छोटा बन रहा है, कब बराबर होता है, सब चीज़ के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे यहाँ पे प्रतिबिंब वस्तु के बराबर कॉमा छोटा या उससे बड़ा हो सकता है, या उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब के बारे में जानना चाहिए कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है उसके, और बराबर बड़ा भी हो सकता है। अब हम लोग ये भी आगे पढ़ेंगे कि किस किस केस में प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर बनता है, किस केस में प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, तो सब चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो लिखेंगे नेक्स्ट आरो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, पहला का नाम है वास्तविक और दूसरा का नाम है आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं,
काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आभासी प्रतिबिंब या फिर इसी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। तो इस तरीके से प्रतिबिंब का दो प्रकार हुआ, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब, या फिर आप इसको बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि आखिर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, फिर सीखेंगे कि आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अब टॉपिक लेंगे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, चलिए इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे किसी बिंदु से आने वाली किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद जब किसी बिंदु पर अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब होता है मिलना, ठीक है, अभिसरित का मतलब मिलना। तो अभिसरित और ब्रैकेट में लिख देंगे मिलना है, अभिसरित होती है, ऐसे लिखेंगे अभिसरित होती है। तो इस प्रकार से बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं, तो जब किसी बिंदु से आने वाली किरणें अगर एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, जैसे ऐसे 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 एक बिंदु पर मिल रही है, देख रहे हैं, इसको बोल सकते हैं सभी किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसी को हम बोलते हैं अभिसरित। क्या होती है ये अभिसरित, सभी अभिसरित का मतलब होता है मिलना, एक ही बिंदु पर सभी किरणें आकर मिल गई, ठीक है, तब हम इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक चीज़ और जानना चाहिए कि जहाँ आप कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा इसका जो स्थिति होगा प्रतिबिंब का वो हमेशा उल्टा बनता है। तो याद रख लीजिए कि जब कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या, जब किसी बिंदु से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर अभिसरित होती है, अभिसरित का मतलब एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है, तब उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब का जो साइज होता है हमेशा उल्टा होता है। तो उसके नीचे वास्तविक प्रतिबिंब का सेकेंड एरो लेंगे, लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, तो अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा याद रखना है उल्टा होता है, तो काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। यानी अगर कभी भी स्थिति के बारे में पूछेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब सीधा, आभासी प्रतिबिंब होता है, सॉरी वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा, और आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग देखें। अब हम लोग लिखेंगे आभासी, टॉपिक बनाएंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद
परावर्तन तथा अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से अपसरित, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपसरित। अपसरित का मतलब होता है फैलना, ठीक है। अपसरित में फैलना होती हुई प्रतीत होती है तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी अपसरित यहाँ पे है अपसरित। अब अपसरित का मतलब क्या, जैसे आने वाले प्रकाश की किरणें ढेर सारा है, ठीक है, ये सभी सारा प्रकाश की किरणें आ रही है, लेकिन ये भी फैल जा रही है। जैसे टॉर्च का लाइट क्या होता है, फैल जाता है, तो सभी फैल गए ना। जैसे मान ली कि आने वाली प्रकाश की किरणों को फैलना कहलाता है, अपसरित का मतलब फैल जाना, तब उसको हम लोग बोलेंगे काल्पनिक। जैसे टॉर्च का लाइट को फोकस करते हैं तो वो क्या होता है, जैसे मान लिया कि ये टॉर्च है, इससे लाइट निकल रहा है, तो ऐसे जाता है ना लाइट, तो ये टॉर्च की लाइट जो निकल रहा है वो फैल रहा है, तब हम उसको बोलेंगे क्या, वो आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे थे, अगर प्रकाश की किरणें अपसरित हो जाती हैं, हम उसको बोलेंगे कि वो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वास्तविक के लिए उल्टा बनता है, लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए हमेशा प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा जाए आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि जहाँ पे भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको याद रखने का तुरंत इसका जो उल्टा इमेज बनेगा, और जहाँ पे भी आभासी या फिर इसी को बोलते हैं काल्पनिक, तो वहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों, इसको एक और नाम से जाना जाता है, अवास्तविक। ये हो गया वास्तविक, तो इसका उल्टा ना है ये, तो अवास्तविक, ठीक है। तो याद रखिएगा, आभासी को कुल मिलाकर तीन नाम से जाना जाता है, अवास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो चलिए उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखें प्रतिबिंब के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, गोलीय दर्पण के बारे में। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखा जाए, फर्स्ट एरो देकर, ठीक है, लिखा जाए गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है।
गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई रहती है, जिसकी एक सतह पॉलिश की हुई रहती है, पॉलिश की हुई रहती है। ध्यान दीजिएगा कि गोलीय दर्पण किसको कहते हैं, तो गोलीय दर्पण दर्पण का एक गोल खोखला गोलीय भाग का भाग होता है जिसका एक सतह जो है वो पेंट होता है। ठीक है, चलिए हम लोग अब समझते हैं। और गोलीय दर्पण का जो प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं। चलिए लिखा जाए उसके नीचे, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। पहला पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण के बारे में अगर बात करें तो एक फिगर भी बना लीजिएगा आप लोग। जैसे गोलीय दर्पण को सीखने के लिए एक गोली खोखला गोला लिया जाता है। ठीक है, अब इस खोखले गोले को आधा आधा ब्रेक डाउन किया जाता है। ये आधा आधा हम लोग ब्रेक डाउन कर दिए, आधा आधा काट दिए। तो आधा आधा काट दिए तो हम लोगों को यहाँ से ये देखिए, हम लोगों को इसको हम लोग पूरा को बोलेंगे गोलीय दर्पण। इसको क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्यों? क्योंकि एक खोखला गोला है और फिर हम इसको जैसे ही आधा आधा काटते हैं, तो जैसे ही आधा काटें तो एक तरफ का ऐसे बन रहा है, देख पा रहे होंगे, एक तरफ ऐसे बन रहा है। ठीक है, और एक तरफ इधर वाला पार्ट इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग आधा आधा काटेंगे तो एक इस तरीके का फिगर बनेगा और एक इस तरीके का फिगर बनेगा। ठीक है, अब रहा बात कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे, तो अब यहीं से अगर दोस्तों बाहरी वाले सतह को अगर पेंट करते हैं, इसको पॉलिश भी कहा जाता है, यानी बाहर वाले सतह को पेंट कर दिए, तब हो गया ये अवतल दर्पण। तब ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। लेकिन जब अंदर वाला यानी कि भीतरी सतह को अगर पॉलिश कर दिए तब ये बन जाता है उत्तल दर्पण। यानी कि समझ सकते हैं, अगर हमसे कोई पूछेगा कि अवतल दर्पण किसको कहेंगे, तो हम बोलेंगे कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वह भाग है जिसका बाहरी सतह पॉलिश की हुई होती है। समझ में आ रहा है, या वह दर्पण जो एक गोलीय दर्पण का भाग है और उसे बाहरी सतह को पॉलिश किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। और जब अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, अंदर की ओर पॉलिश करेंगे तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे। राइट, चलिए अब ये फिगर को आप खुद से बना लीजिए। ठीक है, ये फिगर बना लीजिए कि गोलीय दर्पण का ही ये भाग होता है दो ठो। उसके बाद हम लोग अब टॉपिक देंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये टॉपिक्स देंगे, उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए अवतल दर्पण, लिखेंगे वह दर्पण
जो एक गोलीय दर्पण का भाग है, जो एक गोलीय दर्पण का भाग है, जिसकी बाहरी सतह पॉलिश की हुई होती है, बाहरी सतह पॉलिश की हुई होती है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह अवतल दर्पण कहलाता है। चलिए अब जरा अवतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं स्पेशल। तो अवतल दर्पण का फिगर क्या होता है? तो अवतल दर्पण का जो फिगर होता है वो होता है हम लोगों का ऐसे, जिसका बाहरी सतह पेंट किया हुआ रहता है। जैसे मान लिया ये हुआ हम लोगों को, अगर इसको हम लोग बाहरी सतह को अगर पेंट कर दिए तब ये बन गया कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्या नाम है इसका? अवतल दर्पण। अब इस अवतल दर्पण में जैसे ही हम लोग किरण को गुजारते हैं, ठीक है, तो हम लोग को जैसे ही किरण को गुजारते हैं तो देख पा रहे होंगे सभी एक पॉइंट से निकल रहे हैं, यानी कि इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं, यानी कि आने वाले प्रकाश की किरणें ये है, और टकराने के बाद ये वापस ऐसे चला जा रहा है, तो एक ही पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये अवतल दर्पण का फिगर बना लीजिए, ठीक है। अब लिखेंगे टॉपिक उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, उसके नीचे आरो देंगे, लिखेंगे वह दर्पण जो एक गोलीय दर्पण का भाग हो, जो एक गोलीय दर्पण का भाग हो और जिसकी भीतरी सतह पॉलिश की हुई होती है, 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 वह उत्तल दर्पण कहलाता है। वह उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें कि उत्तल दर्पण किसको कहते हैं। तो हम लोग कैसे भी करके गोला बना सकते हैं, हम इधर ही बनाएं, लेकिन इस बार भीतरी सतह को पेंट कर दें। देख रहे हैं, किधर से भी गोला बनाए हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं। तो इधर हम लोग पेंट कर दिए, यानी कि भीतरी सतह को पेंट कर दिया। तो अब परावर्तक सतह यानी कि किरणें आगे की ओर आएंगी, क्योंकि पिछला सतह तो ये हो गया। तो अगर मान लिया कि इससे अगर कोई किरणें आएंगी इस तरीके से, तो टकराने के बाद सभी किरणें ऐसे वापस मुड़ेंगी, ऐसे, ठीक है, ऐसे मुड़ेंगी, यानी कि ये ऐसे आई ऐसे मुड़ गई, ऐसे आई ऐसे मुड़ गई, ठीक है, ये ऐसे मुड़ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमेशा प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा, क्यों? क्योंकि देख पा रहे होंगे पीछे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तब हम इसको बोलेंगे आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये इस तरीके के हम लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण,
ठीक है, हम लोग कैसा भी फिगर बनाएंगे, फिगर पर नहीं जाना, सिर्फ ये जानना है कि वो अंदर की सतह को पेंट किया जा रहा है कि बाहर की सतह को पेंट किया जा रहा है। अगर अंदर की सतह को पेंट किया जा रहा है तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, अगर बाहर की सतह को, आप देख पा रहे होंगे हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसमें बाहर की सतह को पेंट कर दिया, उभरा हुआ सतह इसको बोल सकते हैं, यानी कि बाहरी सतह को पेंट कर दिया, तो अभी इसको हम लोग अवतल बोल सकते हैं, अवतल बोलेंगे, ठीक है। तो आप ये अवतल का फिगर बनाइए या फिर ये बनाइए, दोनों सेम ही है, ठीक है। अगर बात किया जाए तो हम, अगर ये ऐसा केस रहेगा और जब हम लोग इसको अंदर की ओर पेंट करेंगे, तब हम लोग याद रखेंगे उत्तल, अंदर का मतलब कि एक कर्व, एक मुड़ा हुआ अगर रहेगा, तो जब अगर अंदर की ओर पेंट किया हुआ रहेगा सतह, तब पेंट किया हुआ को हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, ताकि ये पता चले कि हम लोगों का कहाँ वाला सतह पेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। टॉपिक लिखेंगे गोलीय दर्पण संबंधी, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं, ठीक है। देखिए हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे। अब आपको जानना चाहिए कि ये गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं का मतलब क्या हुआ। आपको पढ़े होंगे आप लोग टेंथ क्लास में कि अगर कोई दर्पण हो, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, वहाँ का कुछ भाग होता है जिसमें वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है, वक्रता केंद्र होते हैं, फिर ध्रुव कहते हैं, ध्रुव भी होते हैं, फिर वक्रता त्रिज्या होते हैं, ठीक है, फिर कब बात करेंगे तो मुख्य अक्ष होते हैं, मुख्य अक्ष को फिर प्रधान अक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष भी हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं फोकस किसको कहते हैं, ठीक है, फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, फिर बात करेंगे हम लोग प्रतिबिंब दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, वस्तु दूरी क्या है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं, ठीक है, यानी कि फोकस दूरी क्या है, वस्तु दूरी क्या है, प्रतिबिंब दूरी क्या है, फोकस किसे, देखिए फोकस और फोकस दूरी में अंतर है, ये हम लोग पढ़ेंगे, और प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरी बात की वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, तो सभी चीज़ों के लिए हम लोग सबका डेफिनेशन पढ़ेंगे। छोटा छोटा पॉइंट्स है लेकिन बहुत अहम पॉइंट्स है, हालांकि आपको पता पढ़े होंगे टेंथ क्लास में वक्रता केंद्र, ध्रुव, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष। तो ये टॉपिक्स जो हम लोगों का है ना, वो क्या है, गोलीय दर्पण संबंधी कुछ परिभाषाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दर्पण में प्रयुक्त होने वाले छोटे छोटे परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे। तो छोटे छोटे परिभाषा का मतलब ये जो लिखा हुआ है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो भी हम लोग चीज़ें लिखे हुए हैं, इसके बारे में परिभाषा को हम अगले दिन डिस्कस करेंगे फिगर के साथ, सब चीज़ इसमें फिगर ड्रॉ करना होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी प्रकाशिक वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रतिबिंब बना रहे हैं, तो चाहे अवतल दर्पण का बनाएं, चाहे उत्तल दर्पण का बनाएं, चाहे कुछ भी बनाएंगे, हम लोग पेंसिल से फिगर को ड्रॉ करेंगे। ये हम लोगों को प्रैक्टिस में शामिल करना है, एक हैबिचुअल एक्शन शामिल हो जाना चाहिए, यानी कि एक हैबिट हो जाना चाहिए, हमेशा कोई भी फिगर ड्रॉ करेंगे पेंसिल से करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अगर इससे जुड़ी हुई अगर आती है तो हम लोग पेंसिल से खींचेंगे फिगर, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में इन परिभाषाओं के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।